क्या किसी से छिपा हुआ है? हमारे नेता ने उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया नहीं, हमारे नेता ने इस जगह पर, इस आज हमारे नेता के वजूद, नेता के कारण इस वजूद तक पहुंचे हैं, तो उनके बारे में कुछ बोलने की जरूरी है? कब वो क्या बोलते हैं सब लोग अंदाजा लगा लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार की राजनीतिक गलियारों में इन दिनों अगर कोई एक नाम चर्चा का विषय बना हुआ है तो वो है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी। और बीते दिनों जीतन राम मांझी के बेटे यानी बिहार सरकार में SC/ST कल्याण विभाग के मंत्री रहे संतोष सुमन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद बिहार की राजनीतिक गलियारों में कहे तो भूचाल मचा हुआ है। लगातार नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। आपको बताएं कि इसी बीच अब जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने तो ये तक कह दिया है कि नीतीश कुमार के बिना जीतन राम मांझी का क्या कोई अस्तित्व भी था। जीतन राम मांझी तो नीतीश कुमार के बदौलत ही आज राजनीति में यहाँ पहुंचे हुए हैं। हमारे नेता ने ही जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया और अब वो सब चीजें भूल गए हैं और अपने अहंकार में आकर के ये कदम उठाए हैं। बता दें कि संतोष सुमन के इस्तीफे के बाद लगातार बिहार की राजनीति गरमाई हुई है और इसी के बीच उमेश कुशवाहा जो कि जदयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने जीतन राम मांझी के अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कह दिया है कि नीतीश कुमार के बदौलत ही जीतन राम मांझी आज यहां पहुंचे हुए और उनके बेटे तो अभी नासमझ हैं, वो नाबूझ हैं, इसीलिए ऐसे कदम उन्होंने उठाया है। क्या कुछ कह रहे उमेश कुशवाहा किस तरह से जीतन राम मांझी और साथ ही साथ संतोष मांझी के इस्तीफे पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जताई है, उनकी तमाम बातों को सुनवाते हैं। क्या किसी से छिपा हुआ है? हमारे नेता ने उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया नहीं, हमारे नेता ने इस जगह पर, इस आज हमारे नेता के वजूद, नेता के कारण इस वजूद तक पहुंचे हैं, तो उनके बारे में कुछ बोलने की जरूरी है? कब वो क्या बोलते हैं सब लोग अंदाजा लगा लीजिए। मांझी ने कहा एहसान थोड़ी किया है, बुरी तरह लोकसभा में हारे थे तो रबर स्टाम्प खोज रहे थे और सीधा साधा सीताराम मांझी ही मिला। अरे आप देखिए काहे घबराए हुए है, काहे बीजेपी लोग बेचैन है, काहे हताशा है, देखते जाइए, उनके बारे में कुछ कहने की जरूरी नहीं है। राजनीति में बुढ़ा गए हैं नीतीश कुमार, जी तरह मांझी ने बयान दिया है, कहा है कि अब बूढ़े हो चुके हैं, राजनीति नहीं हो पाएगी। नहीं, हमारे नेता जो उनका जो विजन है, उनके विजन को, उनके योजनाओं को, उनके सारे चीज को अन्य प्रदेश और देश, देश ही नहीं विश्व के सबसे बड़ी शक्ति अमेरिका है, वो भी हमारे नेता के विजन को सहारा है। क्या किसी से छिपा हुआ है? हमारे नेता ने उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया नहीं, हमारे नेता ने इस जगह पर, इस आज हमारे नेता के वजूद, नेता के कारण इस वजूद तक पहुंचे हैं, तो उनके बारे में कुछ बोलने की जरूरी है? कब वो क्या बोलते हैं सब लोग अंदाजा लगा लीजिए। मांझी ने कहा एहसान थोड़ी किया है, बुरी तरह लोकसभा में हारे थे तो रबर स्टाम्प खोज रहे थे और सीधा साधा सीताराम मांझी ही मिला। अरे आप देखिए काहे घबराए हुए है, काहे बीजेपी लोग बेचैन है, काहे हताशा है, देखते जाइए, उनके बारे में कुछ कहने की जरूरी नहीं है। राजनीति में बुढ़ा गए हैं नीतीश कुमार, सीताराम मांझी ने बयान दिया है, कहे कि अब बूढ़े हो चुके हैं, राजनीति नहीं हो पाएगी। देखिए हमारे नेता के बारे में कुछ कहने की जरूरी नहीं, हमारे नेता जो उनका जो विजन है, उनके विजन को, उनके योजनाओं को, उनके सारे चीज को अन्य प्रदेश और देश, देश ही नहीं विश्व के सबसे बड़ी शक्ति अमेरिका है, वो भी हमारे नेता के विजन को सहारा है।